कोई नहीं आता साहेब, बिता रहन है जीवन का। कहना और ये जमीन पर उस बात को उतरना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एक और महानी, इतना बड़ा गांव जूझ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, एक डब्बा दूध डब्बा मिलता है और बाकी नहीं मिलता है। जब लड़का की शादी करते हैं, जो आते हैं देखे लड़का को, तो समस्या यहाँ देखते हैं पानी नहीं है तो लौट जाते हैं। पाठा की तुम सुनो कहानी, हम कोलों की बाड़ी में सदियों से हम ठगे जा रहे, सेवरी नाम कहानी में। मैं अलीम जाफरी, न्यूज़ क्लिक की टीम इस समय बुंदेलखंड जो कि पार्श रीजन है, वो एक ऐसे गांव में, टिकुरी गांव जो उचाडी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, वहां पर वाटर क्राइसिस का लेवल क्या है कि यहां पे लोग गंदे, जो बारिश का जो गंदा पानी है वो पीने को मजबूर हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट लगातार ये क्लेम कर रही है कि हर घर जो है नल जा रहा है, हर घर लोगों को पानी मिल रहा है। वहाँ पर, यहाँ पर कई दशकों से ये औरतें जो है, तब से जो है पानी की कभी कोई व्यवस्था नहीं की गई। यहाँ पर ये लोग ऐसे ही पानी पीने को मजबूर है। ये बरसात का पानी है, बरसात जब होता है ऐसे गड्ढे इन्होंने खुद अपने रिसोर्सेज से जो है ये खोदा है, और ये जब बरसात नहीं होता है, जब ये सूखा पड़ जाता तो ये गांव से तकरीबन 2 किलोमीटर के दूर पर कुएं से पानी लेने के लिए जाते हैं। वो भी पानी जो है कोई ड्रिंकेबल वाटर नहीं होता है। उस पानी को पीने के बाद ये तमाम लोग इस तरह की तमाम तरह की बीमारियों से जो है ग्रसित हैं। सरकार के तमाम दावे जो कर रही है, खोखले हैं, वो सब ये एक्सपोज कर रही है उन दावों को कि सरकार कैसे वाटर क्राइसिस से जो है पे काम कर रही है, उनकी पॉलिसीज कहाँ बुंदेलखंड के रीजन में पहुँची है। पानी हम लोग नाले से ले आते हैं तो पीते हैं, ये कुएं है तो ये सूख जाता है। ये कल यहाँ पे हैंड पंप लगा था तो इसमें पानी भी नहीं देता है, अच्छे से बना भी नहीं है। बारिश होने लगते हैं तो हम लोग 2-3 किलोमीटर पानी के लिए जाते हैं। यहाँ पानी का बहुत तकलीफ होता है। पानी भरने कितने किलोमीटर जाती हैं आप लोग? पानी भरने 2 किलोमीटर जाते हैं। 2 किलोमीटर जी। अब बाबूजी आते तो सभी साहब हरे हैं, अब जैसे साहब लोग आते तो क्या कहते हैं? कहते हैं कल आएंगे तो करवा देंगे, जीतने के बाद सब पहला नंबर इस गांव का करेंगे, रोड बनवा देंगे, लाइट लगा देंगे, पानी की समस्या हल कर देंगे। लेकिन जब चुनाव जीत के गद्दी में बैठ जाते हैं सब भूल जाते हैं। कहना और ये जमीन पर उस बात को उतरना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर सन 60 के दशक में पाठा पेयजल योजना के नाम से 2.5 करोड़ की लागत से एक जो है पेयजल योजना का निर्माण हुआ था, फिर भी ये जो है इस गांव में वो पाइपलाइन यहाँ पर नहीं पड़ी। 77 में उसका उद्घाटन इंदिरा जी के द्वारा हुआ था, परंतु पाठा में हर गांव में आपको टंकी देखने को मिलेगी परंतु पानी नहीं पहुंचा वहाँ। एशिया की सबसे बड़ी ये परियोजना थी ये पाठा पेयजल योजना, तो उसमें भी यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाया। 80 साल में हाँ साफ पानी पिया है कभी? नहीं। कौन सा पानी पी? ये गंदला नाला की पानी पीपी बिता रहे हैं साहब। सरकार तो हर साल चुनाव होती है, इतने बड़े बड़े वादे करती है। हमारा चुनाव होएगा बाबू जी, जब पर चुनाव ना हो ऐसा करा तुम का ऐसा कह दे वैसा कह दे, जब चुनाव जीत लेता है तेमु क्या दिखाई नहीं दे। जीत उत जाता था तब कहीं हम यह बनवा दे वह बनवा दे वह कह दे, कोई नहीं आता साहेब, बिता रहन है जीवन का। गांव के लोगों का कहना है कि नेताओं के द्वारा बयान दिया जाना, योजनाएं बनाया जाना एक बात है, और जमीन पर उनका लागू होना दूसरी। यह गांव उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में आता है। लोगों में यह मान्यता है कि भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान 11 वर्ष यहीं रुके थे। यहां सुंदर प्राकृतिक पर्वतों पर कलकल करके बहते हुए झरने हुआ करते थे, घने जंगल हुआ करते थे और नदियां थी। लेकिन आज यहाँ की मनमोहक हरियाली डरावने बंजर में बदल गई है, और राम के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार
इन सूखे जंगलों में बसने वाले लोगों को भूल चुकी है। पानी के लिए यहाँ बहुत समस्या है, पानी को लेके तो पूछिए मत, इतना झगड़ा होता है, इतना लड़ाई, एक दूसरे के मारपीट भी हो जाती है पानी के लिए। हाँ, ऐसा क्योंकि एक बोर है यहाँ, बाकी पानी के लिए कोई सहायता नहीं है। जब लाइट आती है तो इसी में इतनी लंबी भीड़ लग जाती है, वो सोचता हम ले ले, वो सोचता हम ले ले, हम कितना भर ले, वो सोचता हम कितना भर ले। लाइट नहीं होती तो फिर क्या समस्या रहता है, बहुत दूर वहाँ 2 किलोमीटर कुआँ है, वहाँ जाते नीचे वाले गाँव से लाते हैं पीने के लिए। हाँ, नहीं तो 2-3 दिन के लिए वहीं से लाएंगे, जब लाइट आएगी तो फिर भरेंगे, नहीं आएगी तो वहीं से लाएंगे, उसमें भी पानी ज़्यादा नहीं है, जब उसमें फिर आ जाएगा तो भरेंगे, फिर ख़त्म हो जाएगा, फिर सुबह भर लेंगे 4 बजे तड़क। हाँ, ज़्यादातर औरतें आती हैं, मर्द नहीं आते, इसलिए कि उन लोगों से बात नहीं बर्दाश्त होती है, नहीं सह पाते, चले जाते हैं। यहाँ तो एक दूसरे के गाली गलौज मारपीट करने लगती हैं, वो लोग कहेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए वो लोग नहीं आते हैं औरतों के बीच में। बहुत मुश्किल काम है, आप सोच लीजिए यहाँ ये 8-9 बजे तक रहेंगी, तभी तब जाके 2-2, 3-3 टंकर पानी मिलेगा सब लोग, तब जाएंगी तो घर में खाना बनाएंगे, फिर जो सुबह लाइट रहेगी तो फिर आके भरेंगे, नहीं तो फिर हो गया, इतने में थोड़ा थोड़ा करके गुंजाइश करेंगे। शौचालय के लिए बाहर जाती हैं, किसी के यहाँ शौचालय नहीं बने हैं। 6 महीना हो गया, लिपाई पोताई हो गया, बम्बा बन गया, बम्बा सान नसान पड़ा है, ओमा पानी एक कुल्ला नहीं, पब्लिक मर रहा है। एक बोर मानी इतना बड़ा गांव जूझ रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, एक डब्बा 2 डब्बा मिलता है और बाकी नहीं मिलता है। कितनी उम्र हो गई? अरे हम तो बहुत दिन के हो गए, बुढ़े हमारे नाती पंती सब हो गए। पानी की क्या समस्या? अरे हमारे पद के राज में पानी का बहुत दुख रहा है, अब तक यह की सागर तो देखा उठी बम्बा गाड़ा है, पर पानी नहीं आ पाता, जब मुर्चा मुर्चा तो 2-4 घंटा धौका है, तब तक पानी आता ना, तो डाढ़ी में तक खट से लागत है, धौका धौका पानी का, तो हुआ नदी जात रहने का कहते हैं, कहती थे नदी बह के आई है, हुआ पानी का जा रहे था, एक बाल्टी गली में पी ले रहे, जब लाइके आवा रहे। वोट मांगने आते हैं तो बोलते हैं कि हमको पानी के साधन नहीं है, यहाँ पे पानी दो, रोड नहीं सही है तो रोड दो, यही बोलते हैं, तो कहते हैं हम बनवा देंगे, ये कर देंगे, जब हम नहीं जीतते हैं, और जब जीत जाते हैं तो फिर होगा, बिसर जाता है। पानी के लिए होगा 3-4 घंटा होगा। हाँ, मोदी जी और योगी जी कह रहे हैं कि हर घर में नल पहुंच गया, पानी सबको मिल रहा है। अब अभी तो नहीं मिल रहा है सर, तो अभी तो हम बोल रहे हैं, अब जब मिलेगा तो फिर नहीं बोलेंगे। पानी लाने के लिए प्रतिदिन भीषण गर्मी में 2-3 किलोमीटर तक महिलाओं की कतारें देखी जा सकती हैं। स्थिति यह है कि दिन भर पानी पीने के लिए संघर्ष किया जाता है और यह काम ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी की शादी इन गांवों में नहीं करना चाहता। महिलाओं को भैया बहुत समस्या झेली, अब 7 बजे मनाई पानी का जात है, 7 बजे कम से कम आवत है, 8-9 बजे माने भीड़ इतनी लग जाती के एक डब्बा पाइस को 2 डब्बा पाइस है कचड़ा पानी, तो जब हम भैया वो पानी का ली आओ तो चाहे ओका पी ले और चाहे नहा ले, कपड़ा साफ कर ले, लड़कन के स्कूल जाता तो चाहे उनकर कपड़ा साफ कर दे, चाहे अपन कपड़ा साफ कर ले, इतनी समस्या भैया। पानी हमारे गांव में मुरकाटा में आ जाए भैया तो बहुत सुख। पानी को लेकर के शादी को क्या क्या समस्या आती है? जब लड़का की शादी करते हैं, जो आते हैं देखे लड़का को, तो समस्या यहाँ देखते हैं पानी नहीं है तो लौट जाते हैं, फिर लड़का की शादी नहीं हो पाती है। हाँ, कि पानी नहीं है तो हमारी बिटिया आई तो जो पानी न पाई तो का मतलब है, शादी नहीं हो पाती लड़कों को, लड़का के हाल से शादी नहीं, फिर वह जब दंगरा गिरते हैं तब फिर शादी हो दी अपन होती। हाँ, जब गरीब हो तो नैया की कह जाते हैं, पाठा की तुम सुनो कहानी, हम कोलों की बाड़ी में सदियों से हम ठगे जा रहे, सेवरी नाम कहानी में सदियों से हम ठगे जा रहे, सेवरी राम कहानी में जन जन के आराध्य राम ने बरसों यहाँ प्रवास किया, जन जन के आराध्य राम ने बरसों यहाँ प्रवास किया।
या गहन विपिन में घूम घूम कर समता का संदेश दिया। गहन विपिन में घूम घूम कर समता का संदेश दिया। आज उन्हीं के प्रिय बन जन रो रहे पर हैरानी में, सदियों से हम ठगे जा रहे सेवरी राम कहानी में।